हाय गाइस, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार सर की आने वाली फिल्म सबसे बड़ी फिल्म पृथ्वीराज चौहान मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आप भी अगर बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार सर के ट्रू फैन है तो दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते। वैसे तो दोस्तों, अक्षय कुमार अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्में लेके आने वाले हैं। और दोस्तों, जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, चाहे कोई सॉन्ग हो, हाल ही में दोस्तों फिलहाल 2 मोहब्बत सॉन्ग आया था जिन्होंने रिकॉर्ड कामयाब किया, व्यूज हासिल किए, लाइक्स के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। वही दोस्तों, उनके इंस्टाग्राम की फॉलोअर की बात करें तो वो भी 52.1 मिलियन हो गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ दोस्तों, उनकी फिल्म जो 27 जुलाई 2021 को आने वाली थी बेल बॉटम, दोस्तों वो फिल्म पोस्टपोन हो गई है क्योंकि दोस्तों कोविड के केस फिर से बढ़ रही है और दोस्तों थिएटर अभी ओपन नहीं हो रहे हैं, हालांकि मुंबई में। और दोस्तों, आपको बता दूं कि मुंबई सबसे बड़ा सर्किट है, वहीं दोस्तों वहीं सबसे ज़्यादा कलेक्शन होता है। अगर दोस्तों मुंबई बंद रहा तो दोस्तों कोई भी बड़ा स्टार अपनी फिल्म रिलीज़ नहीं करेंगे, यानी कि बेल बॉटम अब इस साल रिलीज़ नहीं होगी दोस्तों, सॉरी इस महीने रिलीज़ नहीं होगी। और दोस्तों, जिस तरह से कोविड केस आ रहा है उसको देखते हुए अगले महीने भी थिएटर बंद रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 महीने के बाद अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। अब दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान फिल्म के बारे में बात करें तो ये एक अक्षय कुमार सर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। और दोस्तों, क्यों ना हो, क्योंकि वो फिल्म के अंदर जो उनका रोल रहेगा वो बहुत ही दमदार रहने वाला है। और दोस्तों, ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म रहेगी, वहीं दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म भी रहेगी। डायरेक्शन की बात करें तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं और दोस्तों स्टोरी भी उन्होंने ही लिखी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले आदित्य चोपड़ा, दोस्तों वायर ऐप के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जाएगा। और दोस्तों, काफ़ी अरसों के बाद अक्षय कुमार और वायर ऐप एक साथ एक फिल्म के अंदर आ रहे हैं। वह दोस्तों, स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म के अंदर हमें अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान का रोल करते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, मानुषी चिल्लर देखने को मिलेंगी, संजय दत्त और सोनू सूद जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस फिल्म की एडिटिंग की है नम्रता राव ने और दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक दिया है शंकर ने मिलकर। पहले दोस्तों, ये फिल्म 5 नवंबर 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हालात को देखते हुए अब ये फिल्म 2022 में रिलीज होगी। दोस्तों, बजट की बात करें तो लगभग 100 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया जाएगा। और दोस्तों, हाल ही में तो अक्षय कुमार ने उनकी एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म बच्चन पांडे फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की है, लेकिन दोस्तों जैसे ही उस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होती है उसके बाद दोस्तों पृथ्वीराज चौहान फिल्म की शूटिंग रीस्टार्ट की जाएगी। और दोस्तों, जब भी ये फिल्म आएगी, दोस्तों आपको बता दूं कि अक्षय कुमार सर की कोई भी फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया, लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जिस तरह की फिल्म बनेगी उस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म 300-350 करोड़ तक जा सकती है दोस्तों। और ये फिल्म अक्षय कुमार सर की पहली 300 करोड़ वाली फिल्म बन सकती है दोस्तों। हालांकि सूर्यवंशी फिल्म रिलीज होती तो वो आराम से 300 करोड़ कमा लेती, क्योंकि उस फिल्म का उस टाइम जो बस था दोस्तों, जिस तरह से ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिला था उस हिसाब से वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ तोड़ कमाई कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म अपने टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई और दोस्तों अब धीरे धीरे उस फिल्म का क्रेज कम होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पृथ्वीराज चौहान और सूर्यवंशी ये दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे।